नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों से। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने कई मुद्दों पर बयान दिया है। टीएस सिंह देव ने बीजेपी के घोषणा पत्र वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पत्र में लिखे आधे काम किए हैं और आधे अभी कार्यशैली पर चल रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करने वाले हर व्यक्ति बेरोजगार नहीं होते। कुछ लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। प्रदेश में हुए अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर कहा कि प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है। उनकी मांगे जायज है, लेकिन उनका प्रदर्शन का तरीका सही नहीं है। उनकी मांगों पर विचार विमर्श कर मामले की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के जो घोषणा पत्र के 36 प्रमुख लक्ष्य हमारे थे, मैं कुछ दिन पहले ही उसकी समीक्षा कर रहा था, तो 12 तो पूरे हो चुके हैं। 12 आंशिक रूप से पूरे हुए हैं और 12 में पहल करने की आवश्यकता है। उसको भी देख रहे थे, तो उसमें भी जो अधूरे हैं उसमें से भी कुछ पूरे हो गए हैं और जो लागू नहीं हुए थे उसमें भी कुछ अंश कवर हुआ है। तो 100% हो गया है ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ये बिल्कुल असत्य है। कई चीज़ें हैं, गन्ने की बात है और बात है, बिजली बिल हाफ है, PDS है, यूनिवर्सल PDS लागू होगा, देश में चुनिंदे राज्यों में होगा, एक दो राज्यों में होगा जहां सबको चावल शासन की तरफ से कम दर पे मिलता है, या तो 1 रुपये में, APL को 10 रुपये में, स्वास्थ्य की सेवाओं में है, बहुत सारी चीज़ें लागू हुई हैं। तो कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, सच्चाई उसमें नहीं है। बेरोजगार कौन है इसका पंजीयन नहीं होता। सरकारी नौकरी किसको चाहिए उनका पंजीयन होता है। आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में डाल सकते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास रोजगार नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि वहाँ पर जो लोग नाम लिखाते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए, नौकरी पाने के लिए अपना पंजीयन करा रहे हैं। बेरोजगारी एक अलग चीज़ हो गई और रोजगार कार्यालय में नाम पंजीयन कराना एक अलग चीज़ हो गई। उसको आप अगर कहेंगे कि इतने लोग बेरोजगार हैं, मैं समझता हूँ कि जितने साथी आप लोग हैं यहाँ सब ने पहल की होगी या नाम लिखाया होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उसका अर्थ एक कि आप बेरोजगार फिलहाल नहीं हैं लेकिन सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो इतने लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, उसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका स्वरूप सामाजिक परिवेश में स्वीकार्य होना चाहिए। महिलाएं भी उस सड़क से आना जाना करती हैं, अन्य लोग भी आना जाना करते हैं, और ऐसी अवस्था में प्रदर्शन करने की पहल करना इसको मैं उचित नहीं मानता। शेष जो उनकी मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं कि अगर गैर अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे गलत प्रमाण पत्र लिए गए हैं तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन के संज्ञान में बात है, वो कार्रवाई चल रही होगी और होगी कार्रवाई। कांग्रेस कवर्धा में पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर ग्रामीणों ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। मामला पंडरिया थाने के ग्राम सोमनापुरा का है, जहां जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद मारपीट में बदलने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने पुलिस पर दूसरे पक्ष को बचाने के लिए काउंटर केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। और मेरे परिवार वालों के साथ लेबर मिस्त्री सबको मार रहे हैं और हमारा जीना मुश्किल हो गया है, घर में घुस कर मार रहे हैं। और इसके मतलब मेरी पत्नी का पूरा ब्लाउज वलाउज फाड़ दिए हैं, इसका मंगलसूत्र छीन लिए हैं, मेरे भाई का चैन के सोने की लॉकेट को मतलब ले गए हैं। इसके बाद भी मतलब पुलिस वाले जो है मारपीट कर मामला बनाकर दोनों पक्षों को केस काउंटर कर दिया है जो हमारे खिलाफ है। मैं एक आंगनबाड़ी कार्य करता हूँ, मोर मार मार मरिया था कि वहाँ गाँव में झड्डी उड़ा जाती। मैं इस वर्गर का बोला हमेशा मोर आंगन में कोई मतलब ऐसे निस्तारी के जगह में आते मारपीट करते हमें। ये कहाँ का मामला है? सोमनापुर गांव के पोस्ट ऑफिस किशनगढ़ के थाना पंडरिया के। थाना पंडरिया में 12 तारीख के मैं जब फिरवाते हैं अपन जमीन में बाउंड्री और आके तोड़ दी, और जब थाना आए तो वहाँ नहीं रिपोर्ट नहीं लिखी से मैं जमीनी मामला कर। क्षेत्र के सोमनापुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, इसके दोनों पक्षों में चोट आई थी, इसमें दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना पंडरिया में और उसकी विवेचना की जा रही है। कितने लोग घायल हुए हैं दोनों पक्ष? इसमें एक पक्ष से 6 लोगों के खिलाफ और दूसरे पक्ष से 7 लोगों के खिलाफ FIR की गई है। अंबिकापुर के हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल करीब 500 छात्राओं ने यहाँ पर कोतवाली थाने का भ्रमण किया। अमूमन देखा जाता है कि पुलिस को देखकर लोग डर जाते हैं, जिससे डर दूर करने के लिए पुलिस और स्कूल ने पहल की है। इस दौरान
महिला पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को उनके साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं समेत आपराधिक गतिविधियों से सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं बच्चों ने भ्रमण के बाद आईपीएस बनने की इच्छा भी जताई। आज विजन समाज सेवी संस्था और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गर्ल्स स्कूल की जो हमारी एनएसएस की और एनसीसी की एक्टिव बच्चियां हैं, 11-12 की बच्चियां, इन सबका कोतवाली थाने का विजिट का यह हमारा भ्रमण कार्यक्रम था। इसका मकसद ये था कि बच्चियों के मन में प्रायः पुलिस विभाग को लेकर, पुलिस के कार्य प्रणाली को लेकर भय रहता है कि थाना एक डरावनी जगह है। उस डर को दूर करने के लिए सीएसपी सर के पहल में हम लोगों ने यह प्रयास किया और जो प्रयास बहुत अच्छा रहा। लगभग 500 बच्चियां यहां सम्मिलित हुई और पूरे कोतवाली थाने को इनने घूम घूम कर देखा कि विवेचक कक्ष कहाँ है, कैदी कहाँ रहते हैं, और उनको एक नया इंस्पिरेशन मिला और पुलिस के प्रति भी उनके मन में एक अलग भाव उत्पन्न हुआ कि पुलिस कोई डरने वाली चीज़ नहीं, वरन पुलिस हमारी मित्र है। जैसा कि हम लोगों ने एक कोट रखा है आज के कार्यक्रम का कि पुलिस हमारी मित्र। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के जो 11th एंड 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको आज कोतवाली थाना विजिट कराया गया है। आईजी सर और एसपी सर के मार्गदर्शन में ये हमने किया है, क्योंकि जो महिला होती है उनको पुलिस थाना आने में थोड़ा सा डर और हिचक होती है, उसी को दूर करने के लिए प्रिंसिपल के द्वारा एक रिक्वेस्ट आया है कि अगर कोतवाली थाना विजिट कराया जाएगा तो उनको जो अंदर का डर है वो दूर हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज लगभग 500 बच्चियों को आज थाना कोतवाली विजिट करवाया है, और जो जो थाना का कार्रवाई होती है, जैसे दिवस अधिकारी से लेके कंप्लेंट जहाँ से सुनते हैं वहाँ से लेके एसएचओ कमरा और बाकी सब मालकाना बंदी गृह रीडर कक्ष सारा दिखाया गया है, और जैसे कार्रवाई किया जाता है उनको वही फ्लो में सब कुछ बताया गया है। एक तरफ राजनीतिक दल देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वहीं पेंड्रा में बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। भारी बरसात में इन बच्चों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। 2 घंटे बच्चे सड़क पर भीगते हैं और प्रदर्शन करते हैं। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ऐतिहासिक गुरुकुल स्कूल को 4 कमरे वाले आईटीआई के पुराने भवन में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके विरोध में सैकड़ों छात्रों ने बारिश के बीच रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया। इसे लेकर स्टूडेंट्स कलेक्टर से मिले गए, लेकिन 2 घंटे बाद भी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे गुस्साए स्टूडेंट्स ने रानी दुर्गावती चौक पर चक्का जाम कर दिया। वहीं सूचना के बाद कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोपिया मौके पर पहुंची और छात्र छात्राओं को समझाइश दी। मैंने बात किया, हम लोग की मांग है सर कि हम लोग की जो गुरुकुल संस्था है इसको यहीं रहने दिया जाए, इसको मतलब हटाया ना जाए यहाँ से। अब आईटीआई में शिफ्ट कर रहे हैं सर, यहाँ से 2 हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, छोटे बच्चे हैं। और उस बार हम लोग कलेक्टर मैम के पास गए थे, मैम बोली कि मतलब अगर हम लोग बोले कि अगर बच्चे कुछ होता है, कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, तो कलेक्टर मैम सीधा सीधा बोल दिए कि मतलब इसका जिम्मेदारी हम लोग दे रहे हैं, अगर बच्चे कुछ हो जाएगा इसके बाद क्या जिम्मेदारी लेंगे, है ना। तो इसके लिए मतलब इतना दूर है, पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे, और अगर बस की संस्थाकार भी रहें तो मतलब लिखित में कौन देगा। और हम लोग बोले भी कि मतलब लिखित में आज आने वाला था, बस इसका कोई पता नहीं है क्या? सर हमारा गुरुकुल विद्यालय है जो विगत 44 वर्षों से यही हमारा अध्ययन अध्यापन हो रहा है, और बहुत से गुरुकुल छात्र हैं जो यहाँ से पढ़ कर निकल चुके हैं और अच्छे पोस्ट में हैं, और हम सर अभी 12वीं कक्षा में हैं। क्योंकि जब से यहाँ जिला संगठन हुआ है सर, तब से हमें दिक्कत जा रही है। पहले हमारा जो केमिस्ट्री तीनों संकाय का अलग अलग लैब था और साथ में हॉल था जिसमें हम बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर सकते थे, और साथ ही लाइब्रेरी भी ले लिया गया सर, और इसके चलते सर हमें विगत वर्षों से बहुत दिक्कतें जा रही हैं, हमारा अध्ययन अध्यापन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और अब स्कूल भी ले रहे हैं सर, अब आईटीआई जाने को बोल रहे हैं, अब किसी भी प्रकार का सुविधा सभी सुविधा वहीं उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ऐसा मानना है कि यहीं कलेक्टर ऑफिस बना जाएगा।
कोंडागांव के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक मोहन मरकाम के निवास का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 36 वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो कोंडागांव की बाईपास वाला मामला हो या मक्का प्रोसेसिंग वाला मामला हो। किसी भी प्रकार के मामले का निपटारा या वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। बुलेटिन में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।